Dear children, today we will do exercise 2.4 of chapter 2 addition. Well children, we are back after summer breaks. तो हम summer break से पहले कर रहे थे chapter 2 addition. वो हमने 2.3 exercise तक कर लिया था. So today we are going to start ahead by exercise 2.4. Now in exercise 2.4 it is again addition. क्वेश्चन वन यू हैव टू डू इन द बुक. उसमें क्वेश्चंस प्रिंटेड हैं आपके बुक में. सो यू कैन डू क्वेश्चन नंबर वन इन योर बुक एज योर होमवर्क ऑफ एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 एडिशन पेज नंबर 28. वेल क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमें नोटबुक में करना है. अब उसमें 12 पार्ट्स हैं तो हम ऐसा करेंगे 6 पार्ट्स को रिविजन में करेंगे, 6 पार्ट्स अभी क्लास बुक में करेंगे. सो फर्स्ट 6 पार्ट्स ए बी सी डी ई एफ ये हम रिवीजन में कर सकते हैं. आप भी चाहें तो अभी अपनी रफ कॉपी में रिवीजन में कर सकते हैं. नेक्स्ट 6 पार्ट्स जी एच आई जे के एल ये हम क्लास और नोटबुक में करेंगे. ठीक है, तो फिर 6 पार्ट्स हम अभी कर रहे हैं, 6 पार्ट्स हम रिवीजन में कर सकते हैं. वेल उन 6 पार्ट्स में से मैंने सेलेक्टेड 2 क्वेश्चंस लिए हैं. द क्वेश्चन इज राइट इन कॉलम्स एंड ऐड. इसे हम नोटबुक में करने वाले हैं. सो लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. राइट इन कॉलम्स, यू हैव टू राइट समथिंग इन द कॉलम्स एंड देन यू हैव टू डू द एडिशन. ओके, सो किन कॉलम्स की बात कर रहे हैं हम? जब एडिशन करना है तो जो कॉलम्स हैं ये प्लेस वैल्यू चार्ट के कॉलम्स हैं. सो लेट अस हैव अ प्लेस वैल्यू चार्ट. द क्वेश्चन आई पार्ट आई हैव टेकन, इट इज 999 प्लस 8215. ये हमें पहले अरेंज कॉलम्स में कर रहे हैं, बाद में हमें ऐड करना है. सो सी चिल्ड्रन, व्हेन यू हैव टू नंबर्स टू बी एडेड द अरेंजिंग दीज नंबर्स इन द कॉलम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. यही आपको ध्यान रखना है और यहीं पर मिस्टेक नहीं करनी है. क्या मिस्टेक हो सकती है मैं बताती हूँ अभी आपको. दिस 999 इट इज़ अ 3 डिजिट नंबर. 8215 इट इज़ अ 4 डिजिट नंबर. जब हमें 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर्स ऐड करने होते हैं तो इनका प्लेसिंग इंपॉर्टेंट होता है. अ 4 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद अ 1000 नेम. ओके, एंड अ 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद अ 100 नेम. 3 डिजिट्स होंगी तो 1s, 10s, 100, यही 3 प्लेसेस होंगी. और अगर 4 डिजिट नंबर है तो 1s, 10s, 100, 1000, 4 प्लेसेस होंगे. इसीलिए उनको प्लेस करना ठीक तरीके से ये इंपॉर्टेंट है. When we are adding these kind of numbers with different digits, बड़ा number हम पहले रखेंगे. Well, तो 1s, 10s, 100s, 1000, 4 digit का number बड़ा है तो 4 columns तो आपको चाहिए. Okay? और इसको पहले लिखना है हमें 8250. So it is a 4 digit number, 1s, 10s, 100s, 1000, it will start with a 1000 name. 8250, this is the number. ठीक है, 3 digit number इसके बाद हम place करेंगे. और हमें करना है 999. 3 डिजिट नंबर यानी 1s, 10s, 100s, 100s प्लेस से ये नंबर स्टार्ट होगा. सो यू विल राइट 999. ठीक है, हियर इट इज अ 3 डिजिट नंबर सो फोर्थ डिजिट, द फोर्थ प्लेस विल बी एम्प्टी. 1000 प्लेस एम्प्टी होगा 999 में क्योंकि 1000 प्लेस पे कोई डिजिट है ही नहीं. तो ये मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है. हो सकता है बच्चे 999 यहाँ से लिख दे 999 और लास्ट वाला कॉलम ब्लैंक हो जाए तो ये प्रॉपर नहीं होगा. 3 डिजिट नंबर 100s प्लेस, रिमेंबर इट. अ 4 डिजिट नंबर इट स्टार्ट्स विद अ 1000 प्लेस, सिंपल थिंग टू रिमेंबर. ऐड करना है, पुट द सिंबल ऑफ प्लस. सो लेट अस स्टार्ट एडिंग दीज नंबर्स. 4 कॉलम्स हैं, 1s, 10s, 100s, 1000, ये हैं कॉलम्स के लिए. हम स्टार्ट करेंगे लास्ट वाले कॉलम से जो कि है वंस प्लेस का कॉलम. द नंबर्स टू बी एडेड आर 5 प्लस 9. व्हेन यू आर एडिंग टू नंबर्स 5 प्लस 9, आप एक नंबर को होल्ड करें, उससे आगे दूसरे नंबर वाले काउंट कर लें. सो यू कैन ऐड 5, यू कैन हैव 5 एंड यू कैन ऐड 9 टू दिस नंबर. लेट अस हैव 5 एंड काउंट 9 नंबर्स अहेड ऑफ इट. तो 5 के आगे 9 काउंट करेंगे. लेट अस हैव मी माई 3 फिंगर्स एंड द 3 सेक्शंस इन इट. 5 के बाद काउंट करना है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. द आंसर इज 14. आउट ऑफ 14, 4 आई विल राइट ओवर हियर. ओके, एंड 1 आई विल पुट कैरी. सो 1 विल गो कैरी टू द नेक्स्ट कॉलम.
वंस के बाद नेक्स्ट कॉलम है टेंस में. अब टेंस में हो गया है वन और नाइन. अब इन तीनों को हमें ऐड करना है, ठीक है. वन प्लस वन यू नो इट इज टू एंड टू प्लस नाइन. अब आपको टू के आगे नाइन काउंट करना पड़ेगा. इसके लिए मैं दूसरी आपको ट्रिक बताती हूँ. आप नाइन से आगे टू काउंट कर लो, नाइन के बाद टू काउंट कर लो, टेन इलेवन, यू विल हैव इलेवन. ईजी टू ऐड व्हेन यू स्टार्ट विद अ बिगर नंबर एंड ऐड द स्मॉलर नंबर. चलिए वन हम लिखेंगे और वन कैरी हो जाएगा, वन विल कम हियर, वन विल गो फॉर अ कैरी. Now I have hundreds column, digits 1, 2 and 9 to be added. क्या करेंगे? 1 plus 2 हो गया 3. 3 plus 9 करना है. तो हम उल्टा करते हैं, हम 9 plus 3 करते हैं. यानी 9 के आगे 3 numbers count करेंगे. 10, 11, 12. तो जल्दी हमारा answer आ जाएगा. 12. 12 में से 2 हम यहाँ लिखेंगे. 1 I will put for a carry. So here 1 goes to the next column as a carry. 1 and 8, 1 plus 8 is 9. So our answer is 9, 2, 1. H part I have taken 345 plus 100 plus 5476. ये तीन नंबर्स ऐड करने हैं. यस, हम तीन नंबर्स भी एक साथ लिखकर कॉलम में अरेंज करके ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो व्हाट कॉलम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट इन कॉलम्स. तो कॉलम्स हैं ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. ये प्लेस वैल्यू चार्ट के कॉलम्स हैं. 345 is a 3-digit number, 100 is a 3-digit number and the last one is a 4-digit number. तो हमें चार कॉलम्स तो चाहिए, जितना सबसे बड़ा नंबर है 4 digits का, तो 4 कॉलम्स चाहिए. And yes, when different digit numbers are to be added, सबसे ज़्यादा digit का number हम पहले रखेंगे. Well, this is a 4-digit number, it will come first. 4-digit number starts with a 1000 place, तो ये 1000 कॉलम्स से हम start करेंगे. 5, 4, 7, 6. This number we have added, written in the column. तो पहला तो हमारा काम है write in column, इन numbers को column पे रखना. Next, दो numbers हैं, दोनों ही 3-digit के हैं, कोई भी आप ले सकते हैं पहले, no problem. We are doing addition, we can place any number. Here, 345. A 3-digit number starts with a 100 names. तो जब आप 300 लिखने जाएंगे, तो आप यहाँ से मत place कर देना. Okay, because it is a 3-digit number starting with a 100 place. Keep this column blank, empty, it will remain empty. 3 is on 100's place, so 345. Next is 100, 3-digit number. 1 says 100, yahan se start hoga, yahan se nahi start hoga. 100, 100. Now what we have to do? We have to add these numbers. Well children, aapka ek digit ek box mein aayega. Theek hai? Jab aap solve kar rahe hain, jab aap isko solve kar rahe hain, add kar rahe hain. Lekin jab aap question likh rahe hain, तो बहुत सारे डिजिट्स हैं, इतने सारे बॉक्सेस नहीं होंगे. यू कैन राइट टू डिजिट्स इन वन बॉक्स, डजंट मैटर. ओके, एंड यस, आई विल गिव यू अ पीडीएफ. मैडम ने जैसे लिखा है, सॉल्व करते टाइम एक डिजिट एक बॉक्स में होगी, वो बहुत ज़रूरी है. लेकिन क्वेश्चन लिखते टाइम ज़्यादा बॉक्स नहीं होते हैं, तो हम दो डिजिट लिख देते हैं एक बॉक्स में. यू विल सी इन द पीडीएफ. वेल, वी आर एडिंग, स्टार्ट करेंगे हम वंस प्लेस के कॉलम से. What digits are to be added? 6 plus 5 plus 0. ये 3 digits हमें add करनी है. Let us do the addition. 6 में 5 plus करना है, तो 6 तो हमारे पास है ही. उसके आगे 5 numbers हम count करेंगे. So after 6, let us start counting ahead of it. 7, 8, 9, 10, 11. 6 plus 5 is 11. And 11 plus 0 will remain the same. Because we add 0, it doesn't change the answer. So 11 plus 0 is 11. आउट ऑफ दिस 11, ये वाला 1 हम यहाँ लिखेंगे और ये जो टेंस प्लेस वाला 1 है, ये चला जाएगा नेक्स्ट कॉलम में, जो कि टेंस प्लेस का है. गेटिंग इट? यस. नाउ वी हैव टेंस कॉलम. अब यहाँ चार डिजिट हो गई है, 1 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 0, ये सारे डिजिट्स ऐड होंगे. लेट अस डू द एडिशन. 1 प्लस 7 इज 8, 8 प्लस 4, सो 4 नंबर्स अहेड ऑफ 8, 8 से आगे काउंट करेंगे, 9, 10, 11, 12. We have 12 here. Out of this 12, 2 will come here. 1 will go to the next column as a carry. Ye next column mein aa gaya as a carry. Well, hundreds place we have these digits to be added. 1 plus 4 plus 3 plus 1. Come on. 1 plus 4 is 5. 5 plus 3 is 5 ke aage 3 numbers. 6, 7, 8. And 8 plus 1, yani 8 ke aage 1 number. That is 9. नो कैरी, सिंगल डिजिट नंबर. अगर सिंगल डिजिट नंबर होता है तो हम यहाँ लिख देते हैं
दो डिजिट का नंबर होता है तो एक डिजिट लिखी जाती है, एक कैरी होती है, ठीक है। सो अगर सिंगल डिजिट आ रही है तो यू कैन राइट यस। नेक्स्ट यू हैव थाउजेंड्स कॉलम, फाइव इज रिटन, नो अदर डिजिट, सो फाइव प्लस नो नंबर इट इज रिमेन एज फाइव। सो व्हाट इज अवर आंसर, फाइव है, नाइन है, टू है, वन है, ये तो हुई डिजिट्स। अब इसका नंबर नेम बोलते हैं, फाइव इज ऑन थाउजेंड्स प्लेस, सो इट इज 5921, बिकॉज लास्ट टू डिजिट्स वी स्पीक टुगेदर, सो इट इज 5921। These two sums we have solved. You have six questions to solve in your notebook. And which are these parts? G, H, I, J, K, L. G से लेकर L तक ये parts आपको PDF में form में मिलेगा. Do it in your notebook. You'll also get the question number one, but try it yourself. Well, children, thank you.